Lord bless you. Bye, little birthday boy. Yay! भैया लव यू भाईजान धमकी मिलता छोटा टुकड़ा हमारे हाथ से दो बार आ रहा है थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान थैंक यू उदित जी खिलाइए भैया हम लोग अपने बादशाह टुकड़ा चांद का उदित जी खाएं भरपूर खाएं मुखड़ा चांद का टुकड़ा पहले आपको बर्थडे वो है सर किसने किसने बुड्ढे भाई बोला बुड्ढे भाई कौन बोल रहा है सच्चाई मत बोलो तुम मुझे खिला देना मैं खा लूंगा जी साहब का वो यादगार गाना गा दो यार बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए तुम जियो इस बात पे मैं चार मिश्रा पेश कर रहा हूँ रमेश मिश्रा दिनेश मिश्रा और बर्थडे जो है वो हर कोई मनाना चाहता है जैसे बुड्ढे की बात हुई थी हाँ। बुड्ढा भी बर्थडे मनाना चाहता है क्योंकि यही एक दिन होता है जहाँ पूरा मोहल्ला पूछता है वेयर इज बर्थडे बॉय तो बड़ी खुशी होती है कि बॉय बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक शराबी पी के टाइट चला गया बच्चे के बर्थडे में जय जनरेटर का बच्चा क्या बोला और बच्चे को बियर गिफ्ट कर रहा है अरे गिफ्ट भी अदर बियर माय डियर टेक दिस बियर बोले बच्चों को बियर गिफ्ट कर रहा है सॉरी माय मिस्टेक उसने बियर को टेढ़ा कर दिया बोले ये ले ले क्या है टेडी बियर ये बढ़िया यार तो बर्थडे जो है मतलब समझे कि कब बियर हां नहीं माफ अभी हैप्पी न्यू ईयर नो बियर अच्छा बर्थडे के जो गाने बने हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे अभी तो उसमें गिफ्ट मांगा जाता है अच्छा। जैसे ना बार बार दिन ये आए फिर उसके बाद में एक लाइन ऐसी थी ला 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 ये मतलब ला 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 और मैंने एक दिन पार्थिव से पूछा था कि रिटर्न गिफ्ट क्या है तो जो गिफ्ट पसंद नहीं आता वापस कर दिया जाता है कहते रिटर्न शबीर भाई का एक गाना मालूम है आपको बर्थडे में तरह तरह के गाने गाते हैं ना कि आपकी उम्र लंबी हो ये हो वो हो शबीर भाई के बारे में सबसे पहले ये कहें कि हम शबीर भाई से बहुत प्यार करते हैं एक तरफ शबीर बाकी तरफ सब भीड़ तो शब्बीर कुमार साहब का गाना लेकिन गलत जगह पे कैसे गाया जा रहा है 95 इयर्स ओल्ड बुजुर्ग हैं उनका बर्थडे मनाया जा रहा है और चचा ऐसे नहा धो के बढ़िया कुर्ता और पहन के चाकू लेके अरे कटवाओ जल्दी कार्टून लग रहे हैं नहीं बेटा कुछ गाओ रफी साहब वगैरह का गाना रफी साहब का नहीं शब्बीर जी का कौन सा तो गाना कौन सा गा रहे हैं 95 साल के बुजुर्ग के लिए ऐ दोस्ती ये दुआ मेरी तोहफा है प्यार का वे वे वे। 100 साल तक रहे ये जमाना बहार का इससे क्लियर क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा और हाईलाइट है कि एक बार पार्थिव त्रिपाठी को ऐसे किसी सेलिब्रिटी में बुलाया था कि भी चाकू से आपको फीता काटना है अगले ने जोश में बगल वाले बुजुर्ग को काट दिया तो बोला जिसने बोला बुलाया था बोले अरे फीता काटने बोला था फीता काटने अगली बार जब देवरिया में जाओगे कद्दू काटने के लिए तो किसी का कद्दू मत काट दे कॉमेडी किंग एहसान कुरैशी साहब दो आशीर्वाद रूपी और अशोक मिश्रा जी शब्दों के खिलाड़ी ये दो महान शब्दों के खिलाड़ी अच्छा तो इन दोनों को प्रणाम करता हूँ और अशोक जी के लिए दिल से दुआ करता हूँ बहुत तरक्की करें इतनी सारी आवाजें इस गले में घुसेड़ के रखे हैं इन्हें जहाँ शो में जाते हैं तो यही नजर आते हैं अच्छा। और भाई साहब ने तो हमारे लिए डायलॉग लिखे थे फिल्म थी मनी बैग कॉल टाइम दुनिया दुनिया किसी को मामा बनाती है खुद मामा बन गया टीआरपी मामा टीआरपी आप शब्द बोल दें अशोक भाई के बारे में क्या कहना अशोक भाई तो शब्दों के जादूगर हैं और
हर एक सिंगर की कॉमेडी इतना बढ़िया करते हैं, यहाँ तक कि सबकी कॉमेडी इतना करके और इतना हंसाते हैं, बस यही बोलूंगा कि न्यू ईयर पे इसी तरह हंसते रहे, हंसाते रहे। बाकी सब इनके साथ जो दुआएं देने के लिए आए, सुनील जी, पारितोष जी, एहसान भाई और हमारे संदीप भाई और जय चंदियारा जी, जय चंदियारा जी, दो शब्द आप भी बोलिए, दो शब्द आप भी बोलिए भाई। मैं अशोक भाई को सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, नया साल आप सबको मुबारक हो। और मैं एक शेर कहना चाहता हूँ अशोक जी आपके लिए। आप कहते हैं कि हम सब भूल जाते हैं, आप साथ नहीं तो क्या हुआ, आपका साया तो हमारे साथ है। वाह। मेरे दिल में आज भी आपकी याद है। वाह। मेरे दिल में आज भी आपकी याद है। आप कहते हैं कि हम सब भूल जाते हैं, आप कहते हैं कि हम सब भूल जाते हैं, पर देखिए आपका जन्मदिन तो हमें याद है। इसमें एक याद आ गया जोक मुझे कि पति पत्नी से घंटाला हुआ था, और खबर आई थी कि पत्नी कुछ दिनों की मेहमान है, तो वह बड़ा खुश हुआ कि बोले कुछ दिनों की मेहमान, अच्छा यार उसके बाद तो अपनी चांदी चांदी है। तभी पत्नी ने गाना गाया, तू जा मेरा साया, उसके बाद आपको बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि पति मर गया, और गाना गाते हुए हर कदम मेरे प्यार का साया, तेरे सजनी। तो भैया सजनी के साथ गजनी मत बनो और रजनी ना बनो, तो मैं इस माहौल को और आगे बढ़ाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि एहसान जी की बढ़िया सी कविता बनी, क्योंकि मैं तो करते रहता हूँ कि तुम जी हो हजारों साल, रहो अशोक हमेशा माला माल, अपनों के साथ रहो रहो उनके नाल, मुंबई रहो या रहो नैनीताल, और छेड़ते रहो गानों में सुर और ताल, और तुम पर प्यार का बरसता रहे जाल, लेकिन यही तहे दिल से दुआ दे रहा है रतन नूरा, एहसान कुरैशी और सुनील पाल। लेकिन सिर्फ
मैं आपको आज